दोस्तों, मैं मुकेश बकोरे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके सभी पालतू परिंदे एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, आज जो भाई की कमेंट है वो ये है कि क्या भाई उड़ाने से पहले पानी दिया जाता है, वो सादा पानी दे या कुछ खास जो खेल पानी हम बनाते वो वाला पानी। मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये बताया था कि भाई कबूतर को जब हम पहली फड़क से फड़काना चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कबूतर उड़ाना, जैसे कि आज अप्रैल की 2 तारीख हो गई है, तो कल से ही ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, तो हमें कौन से कबूतर को कितना पानी देना चाहिए और कब पानी बढ़ाना चाहिए, कैसे बढ़ाना चाहिए, कितने पानी पे उड़ान स्टार्ट करनी चाहिए। तो भाई ने हमसे ये पूछा है कि भाई कौन सा पानी दें, भाई को बताना है। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी का मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरे चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। मेरा चैनल पूरी तरह से मोनेटाइज हो चुका है और ये सब आप लोगों की, मेरे भाइयों की, मेरे YouTube फैमिली की, जो आप मेरे दोस्त लोग, मेरे यार लोग, मेरे भाई लोग हैं, मेरे मित्र हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो जो मेरी वीडियो देखते हैं, हिंदुस्तान से हो, पाकिस्तान से हो, कौन से भी देश से हैं, बहुत सारे नेपाल से देखते हैं, बहुत सारे देशों से मेरे व्यूअर हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आपके इस भाई पे ऐसे ही थोड़ा प्यार मोहब्बत से ध्यान देते रहिएगा, मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। तो भाई आते हैं हम मुद्दे की बात पर। मेरा भाई, आपने जो कमेंट करी बहुत अच्छी करी है और जो भी डाउट हो आपको क्लियर कर लेना चाहिए, सभी लोगों को क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है भाई। तो आपके कबूतर को पानी सादा ही देना है, सादा पानी ही देकर उसको उड़ाना है, कम से कम पानी देना है, 2 ml से स्टार्ट करें, 3 ml, 2 ml, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ml, 5 ml से ज़्यादा पानी देकर नहीं उड़ाना। कुंडे में पानी या किसी ड्रिंकर में पानी भर के कबूतर के सामने नहीं रखना, उड़ान वाले कबूतरों को जोड़े में नहीं रखना है, उड़ान वाले कबूतरों को अलग रखना है, जिन जिन को आप उड़ा रहे हो, ठीक है भाई, नर मादिन अलग अलग रखना है, बिल्कुल दूर दूर एक दूसरे को दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर नर मादिन आप एक साथ रखोगे तो दिक्कत होगी, वो ड्यूटी मीटिंग में ध्यान देंगे ना कि उड़ान में ध्यान देंगे। तो आपको अपनी कबूतरबाजी को बेटर करने के लिए, बेहतर करने के लिए आपको अपने कबूतरों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मान लीजिए आप बाजी टूर्नामेंट लेते हैं, कहीं खेल में हिस्सा लेते हैं, तो आपको बरोबर आपके कबूतरों पे ध्यान देना है। और अगर आप कबूतरबाजी नहीं करते, कहीं नहीं उड़ाते हैं, सिर्फ अपने शौक के लिए उड़ाते हैं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप जोड़े वाले कबूतरों को भी उड़ाएं, साथ में रख के उड़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बस उनके खान पान पर ध्यान दें, क्योंकि जोड़े वाले जो कबूतर रहते हैं उनको आप ब्रीडिंग भी करवाएंगे और उड़ाएंगे भी, तो थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।